कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। सरसों के बाजार से खबरें आ रही हैं। खाद्य तेल के मार्केट में सरसों के मार्केट पर नेफेड बिक्री का दबाव होने की खबरें आ रही हैं। विस्तार से इस बारे में बात करते हैं तो बड़े दाम पर तेल मिलों की खरीद सीमित होने और नेफेड बिक्री बढ़ाने से घरेलू बाजार में शनिवार के दिन कीमतों में स्थिरता देखी गई। 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई और जिसके बाद रेट 7,050 रुपए प्रति क्विंटल से बाजारों में नीचे देखे गए। विदेशी मार्केट में चालू हफ्ते के अंत में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी का रुख बना रहा और जानकारों के अनुसार मध्य पूर्व के बीच संघर्ष बढ़ने से खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रभावित होने का डर है, इसीलिए चालू हफ्ते में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी भी दर्ज करी गई। खाद्य तेल के भाव भी अभी बाजारों में जो देखे जाए वो तेज हुए हैं। घरेलू मार्केट में सरसों तेल की कीमतों में तीसरे दिन हल्का सुधार दर्ज किया गया, जबकि इस दौरान सरसों खल के भाव में गिरावट दर्ज करी गई। प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडियों की सरसों की दैनिक जो आवक है उसमें कमी दर्ज करी गई। व्यापारियों के अनुसार स्टॉकिस्टों के साथ किसानों के पास भी सरसों का बकाया स्टॉक सीमित मात्रा में बचा हुआ है। हालांकि खपत का एक अच्छा सीजन होने की वजह से घरेलू बाजार में सरसों तेल में मांग अभी बनी रहेगी, लेकिन इसकी कीमतों में तेजी और मंदी काफी हद तक आयतित खाद्य तेल के दाम पर ही निर्भर कर सकती है। बात करते हैं रेट के बारे में तो बाजारों में जो कच्ची घानी सरसों के जो दाम है वो 1,465 रुपए प्रति 1,462 रुपए प्रति 10 किलो के आसपास देखे गए। एक्सप्लोर के दाम भी 10 रुपए तक बाजारों में बढ़ते हुए नजर आए। खल के दाम में 35 रुपए तक की हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई और जो टोटल आवक रही है वो 2,50,000 बोरियों की ही हुई है। आवक लगातार गिरती नजर आ रही है और मलेशिया स्टॉक बढ़ने से भी बाजारों में यहां पर थोड़ी सी कमजोरी नजर आई है, लेकिन क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है और आने वाले दिनों में दशहरा और दिवाली जैसे जो त्यौहार हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से मार्केट में तेज़ी आने वाले टाइम में ज़रूर आ सकती है। ओवरऑल जो सरसों को लेकर ट्रेंड है बाजारों में वो फिलहाल के लिए आपको यहाँ से पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।